कलेजी भूननी है या फिर पुलाव बनाना है, हरे मसाले का सालन बनेगा या मजेदार बारबेक्यू की फरमाइश है। दस्तरखान पर सजने वाले इन पकवानों को जरूरत है तो सिर्फ अदरक लहसुन, तीखी मिर्चों या फिर टमाटर और प्याज की। बचत बाजार आने वालों को अब दीगर सब्जी में नहीं कोई दिलचस्पी, खरीदना है तो सिर्फ हरा मसाला या फिर यही सब्जी। ईद पे थोड़ी महंगाई तो होती है, जैसे टमाटर वगैरह इसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो पीछे से मेरा ख्याल सप्लाई का मसला होता है उस वजह से है, लेकिन कोई एक्सेप्शनल हाइक नहीं है। जैसे मेन सब्जी बस हरी मिर्च, हरा धनिया और यही चीज़ें, यहाँ सैलेड का सामान लेते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं इतना पिक करते, तो वो होती है, निगलेक्ट होती है। मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए, थोड़ी साइड डिश में सब्जी होनी चाहिए। टमाटर 62 रुपए किलो पर पहुंचा तो प्याज और मिर्चें भी 10 रुपए महंगी हो गई। किसी ने महंगाई का किया वावेला तो किसी ने खरीदते वक्त जरा ना किया सोच विचार। जानवर के लिए तो एक साल से तैयारी करते हैं, मगर ये एक दिन में सारी जान निकाल देता है। मसाला जो है, मसाला बहुत महंगा होते हैं, हर चीज महंगा नजर आ रही है, अभी दिल नहीं चाहता क्या क्या ले लो। बहुत महंगा, बिल्कुल हर चीज महंगी, हर धनिया की गड्डी 10 रुपए, बताएं जरा, हद हो गई ना। बकरीद के आते ही हर चीज महंगी कर देते हैं ये लोग। ईद कुर्बान में जानवर की खरीदारी के बाद अगर किसी अहम मरहले का सामना करना पड़ता है तो वो है सब्जी और हरे मसाले की खरीदारी, जिसके बगैर पकवानों का स्वाद मुमकिन नहीं। कुर्बानी के जानवर की खरीदारी तो हो गई मुकम्मल, अब बारी है दस्तरखान पर लजीज पकवान की तैयारी की। तो आइए और बाजार से अपनी मर्जी का जो जो लेना है वो ले लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कीमतें होश रुबा हो जाएं तो आपके भी होश उड़ जाएं। कैमरामैन दानिश शकील के साथ सिद्रा डार, न्यू न्यूज़ कराची।